मम्मी बता, तुम सारे अन करते रहते हो, मेरे को पता नहीं है प्रैंक है क्या है, पर मेरे को ये चीज देख कर बिल्कुल मतलब बहुत गंदा लगा है और उनको भगा दे यहाँ से ना, फिर तू जानता है मैं कैसे गुस्सा आता है मेरे को क्या करती हूँ मैं, मतलब तुम्हारी आरती उतारू मैं, निकलो यहाँ से। व्हाट्सअप क्या हाल है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इस वीडियो में जो भी हुआ एंड तक देखोगे जब भी समझ में आएगा। मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना, फेसबुक पे फॉलो कर लेना, सबको लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वरना करप्ट यूवर हैंडल है। वीडियो देखो एंड तक, मिलता हूँ वीडियो के बाद, फटाफट जाके देखो। हाँ जा मम्मी से मिलवा आता हूँ, प्रैंक करना क्या पता नहीं लग रहा, मम्मी को भी प्रैंक करने वाले, ठीक है, पता लग गया मम्मी को तो। मम्मा अरे कितने बैठ रही है, बैठो गाइस, ठीक है भाई, बैठो फ्रेंड्स हो, बैठो एक मिनट में पानी लेके आता तुम लोगों के लिए। मम्मी पानी ले आना। ओके रिपोर्ट, कहाँ रह गए ये आशना, ये दीपांशु, इनको वीडियोस वगैरह में देखा होगा ना। कैसे इनका पानी की प्यारी है, पानी घर तक पी के आए होंगे। और तो पानी से पिलाना पड़ता है ना, कोई मेहमान आता है तो। गजब बेइज्जती है। ठीक है भाई, और कैसे हो भाई, ठीक हो? खाना भी बनवा रखा है मैंने, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है, तुसी सब सही कर दोगे। तो बताओ भाई फिर वो शूट वूट का क्या सीन है, उधर चलना था सेक्टर 15, चल लेंगे यार वहां भी भाई, अभी रुक जाते हैं ना, यहीं बैठते हैं मजे करेंगे। क्या मजे करने हैं इधर का भाई, खाना वाना खाएंगे अभी तो आए हैं। हां आपके शूट शूट और कुछ काम है या नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ना। अरे तो उस दिन क्या कह रहा था कि मैं आंटी से सवाल करूंगा वहां जाकर, तुम्हें नहीं पता? अभी करता हूं भाई, पानी तो पीने दो यार। कोई दिन से मेरे को बता ना रहा, अगर आंटी से बात करनी है और मैं, हम सारे साथ में रहते हैं तो वही है कि लव भाई के लिए कोई लड़की वगैरह नहीं ढूंढी हुई आपने? साले तुम्हें शादी करवा होगा बेटी चौथ, अभी शादी करवा होगा, मत मत ढूंढ अभी। शादी के लिए तो हम तो बोलते हैं, इसके बड़े भाई की भी 22 साल की एज में हो गई थी। ओहो तो मैं बड़ा भाई हूँ तो अब ये मना करता है 2 साल और 3 साल और, पर मैं सोचती हूँ कर दूँ जल्दी सी, जो भी जिम्मेदारी पूरी हो जाए अपने। जिम्मेदारी हो तो बता देना मेरे को, कर देंगे हम, तैयार है हमको। लड़की तो आंटी है ही। कौन है? है कौन है? कौन है? आए हैं तो अब हम बात कर ही लेते हैं ना यार। क्या बात कर लेते हैं? मेरे को कौन है दिखा देना, मेरे को अच्छी लगी तो ठीक है। देख लो आंटी, देखो शादी तो करनी है, शादी तो करनी है, ऑब्वियसली बात है, कोई बात नहीं। 23 साल का हो गया ये तो शादी तो करनी है। बता देना कौन लड़की है भाई, मेरे को तो बता दे, जल्दी से निपट जाए हमारी जिम्मेदारी। तो अभी थोड़े मतलब टाइम ही क्या रह गया इनको, इतने बड़े तो हो गए, इतने बड़े क्या होता है। तो भाई आंटी देख लो यही है, बता देना मेरे को कौन लड़की, बता देना यही है, अभी देख लो ये रही आशना। अरे अच्छा, इस लड़की साथ लेकर आया तू मेरे? हाँ जी। बिचौलिया बनने कोशिश कर रहा है बिचौलिया? अरे भाई मेरे मन में सवाल आया तो मैंने सोचा आंटी से पूछ लेता हूँ। ठीक है लड़की देख के मेरे को भी अच्छी लगी भाई, इससे पूछ लेते हैं इसको ठीक लगे तो मेरे को। भाई मेरे को क्या, अबे तुम करते हो ना कि मैं पूछ जान लूंगी कभी लड़की को, इससे पूछ तो ले के करे के ना करे। वो तो भाई देखो कोई भी है, अगर मैं अपने घर में बहू लाऊंगी तो सवाल तो मेरे भी क्वेश्चन होंगे ना, जैसा मेरा परिवार है, मेरे को बच्चा चाहिए, शांत स्वभाव होगा, बच्चा बच्चा नहीं है बच्ची है, ये घोड़ी एकदम बड़ी घोड़ी बच्ची है, ये बच्चा है। देखो बेटा मतलब हमने कुछ नहीं चाहिए अपने परिवार में, भी प्यार प्रेम से रहे अपना, करे खाए, बाकी मेरे कोई लड़की मेरे पास नहीं,
अभी मैंने किसी लड़की भी मेरी जिम्मेदारी को ये दो है की शादी कर दी, की हो जाए एक घोड़ा बच रहा है इसकी हो जाए, हम भी जिम्मेदारी से अपने फारी अपने कैसे ही रहो फिर अपना करो खाओ। तो फिर आंटी, तो आंटी को तो पसंद आई हूँ ना मैं, गिफ्ट भी लाए थे वो दे रहे थे ना, दे देते गिफ्ट भी लाए होगा तुम, गिफ्ट दे देते अच्छा तो अब दीपांशु अरे गिफ्ट मतलब अबे बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा रुक जा, है गिफ्ट क्या है ये, है क्या मतलब सेलिब्रेट वगैरह करेंगे ना तो हम तो ऐसे ही करते हैं सेलिब्रेट, मतलब कुछ भी ओकेजन। अबे ये थोड़ी लानी थी, पागल है क्या, घर से मैं अंदर भी आ जाती गेट के अंदर हमारा ये निकल कांच वाले ग्लास, तू ने बोला था कि शरबत लेके आई, मुझे लगा तू इसी की बात कर रहा होगा हमारे। अबे पागल पागल है का, ये नहीं पीते हमारे घर में, ये नहीं चलती भाई, मैं तो गेट के अंदर भी नहीं आने देती किसी को। और हमने सोचा कि आंटी आपके लिए ले आते हैं गिफ्ट, आशना ने आशना का प्लान था बेटा, हमारे घर में ये कितने मेंबर हैं, मेरे को रिश्तेदार भी आता तो भी मैं अगर किसी ने ड्रिंक कर रखी मंदिर नहीं आने देते। अब देख लो ऐसी तो लड़की से तू ब्याह करवाएगी मेरा, भाई हाथ जोड़ दे, हमें ऐसी लड़की होती है हमें बिल्कुल सिंपल शादी, तब मेरे तो पूछ लेते दारू लाने दी, तो ये भी तो पीता है यार, ये तो साथ बैठ के पीता है, ये गलत हो भाई, ये गलत मत करो, तुम भी पीते हो और ये भी पियेंगे और कब से भाई? चलो अरे झूठ बोल रहे मम्मी, अरे मम्मी तो क्या हो गया, मैं तो एक दो बार चला ठीक है अच्छा। पागल बना रहे आंटी यार, क्यों अच्छा। और मैं तो ना पीता, तुम पियो बेटी, जो तुम मेरे घर में आके इसको ही कह रहे हो पीता है पीता है, पीते तुम हो, तुम लेके आए हो, मैंने तो आज तक इसको पीते हुए देखा, और वैसे भी सस्ती दारू ले रहे 300 रुपए वाली, मेरे को नहीं पता कैसी है क्या है, मैं तो इसको हाथ भी लगाना नहीं चाहती, पर बेटा मेरे घर में ये अलाउ नहीं है, और ना ये मैं से आप बंदों से वास्ता रखते, ये रास्ता आप जा सकते हो, ऐसी लड़की मेरे को नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हम मतलब सिंपल आदमी है, सादे आदमी है, बाबा जी का नाम हमने ले रखा है, मतलब ये चीज हमारे घर में चलती है। हाँ चलो निकलो अब, चलो कमाल कर दिया आपने, तुमने शर्म ना आए कि मैंने यूं कही थी, ये थोड़े ऐसे रिश्ते होते हैं, तू बाहर की बोतल उठा के दिखा रहा है, ये आंटी ये रिश्ता लेके आया, ओए लिकड़ चल, बात थोड़ी होती है बेटा, दीपांश तेरा शर्म ना आवेगा, गुस्सा और एंटी गुस्सा ना होएंगे तो क्या, बता दे ये प्रैंक कर रहे थे, पर अब भी प्रैंक व्रैंक कुछ नहीं, अब तू जा भाई, यार ऐसा थोड़ी ना होता है मम्मी, बता तुम सारे करते रहते हो, मेरे को पता नहीं है प्रैंक क्या है, पर मेरे को ये चीज देख कर बिल्कुल मतलब बहुत गंदा लगा है, और उनको भगा दे यहाँ से ना, फिर तू जानता है मैं कैसे गुस्सा आता है मेरे को, क्या करती हूँ मैं, ओए मार मुड़ देगी, निकल जाओ यार, अब तो कोई बात नहीं, अगली बार कभी आना फिर, अब या आना ही नहीं कभी, ऐसे दोस्तों सॉरी सॉरी यार, ठीक है अब मत आना भाई, जाओ पापा को मैं बताती हूँ, फिर इसका क्या कर, रात रात रह के बाहर यही सीखता है, यही करता है, यही ऐसे दोस्त बनाता है, निकलो यहाँ से, और इसके साथ आज के बाद दिखाई दिए मेरे को, देख लो फिर जा जा लिकड़ लिकड़ चल्दी पांच जा भाई जा, मम्मी तो मैंने कही थी देखते नहीं माँ बाप ने भाई पटने के लिए काम करने के लिए बाहर भेज जाइए, बताओ दारू की बोतल बैग में लेके घूम रहे, कोई कमाल की बात है, क्या तुम्हारा भविष्य होगा बताओ, हम जाएं फिर, और क्या मतलब अब तुम्हारी आरती उतारू मैं, निकलो यहाँ से, जा रहे हो ना, अच्छे जाना, और सुन एक मम्मी बात बताना चाहती है, बंद कर पहले गेट बंद कर, एक मिनट रुको, बैठो दोनों बैठो अच्छे से, अभी एक बार वो बात बताने, फोन तो ले जा पहले अपना, इसीलिए बुलाया है, मम्मी एक बार बता दो इनको, हम मिलके बता दे, जो तुम ये दारू की बोतल लेके डोल रहे हो दोनों के दोनों, जो बहन जब बेवड़े बनते हो तुम, ये मैंने मम्मी को ना एक चीज पहले बता दी थी, बताऊं क्या, कि ये जो दारू है ये दारू नहीं चाय पत्ती है, बेसिकली तुम नहीं मम्मी कर रही थी तुम पे प्रैंक कैसा लगा, मेरी मम्मी पे प्रैंक करोगे तुम, देख लो कमाल है, अभी सीगी में भी सीगी फादर रह के में भी सीगी है, ओए तुम गुस्सा कर रहे हो, मेरे को लगा हम जाए अब नहीं आएंगे आज के बाद तो भाई ओए अरे एक बार दिखाओ बोतल दिखा, वो चाय पत्ती हम तो सुंगा तो दिखा दे, मम्मी मेरे पे भी डाउट करे, अरे देखो ये रहा माइक, तुम्हें तुम दोनों को लग रहा है इन पे प्रैंक हो रहा है, और मम्मी इन पे कर दिया, चाय पत्ती था, पर ये उल्टा पड़ गए बेचारों पे
तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके जाना भाई के चैनल को, और इसको भी कर देना कलर प्रैंक आशना। एंड टाटा, बाय बाय, गुड बाय, इंस्टा पे फॉलो कर लो। द नेक्स्ट डे।